हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आप प्रॉपर रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से वर्कआउट कर रहे हैं, डाइट को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, फिर भी ऐसे कौन से मिस्टेक हो रही है जिसकी वजह से हमारा वजन बन कम होना रुक गया है? अगर आपके साथ भी सेम चैलेंज हो रहा है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं कि हमारे खाने में ऐसी कौन सी चीज़ आ रही है जो हमें शायद पता ही नहीं है, या अगर हमें पता है तो फिर उसके ऊपर हम ज़्यादा गौर नहीं करते। आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से छोटे छोटे मिस्टेक की वजह से हमारा रिजल्ट हमें नहीं मिल पा रहा है। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, और वो है सॉल्ट और शुगर। आपको पता होगा सॉल्ट और शुगर को व्हाइट पॉइजन भी बोला जाता है। अगर आपके खाने में भी शुगर एंड सॉल्ट अगर ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो उसको आज ही कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके एक डाइट में शुगर एंड सॉल्ट ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो फिर वेट लॉस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। एंड नो मैटर अगर आपको वेट लॉस करना है कि नहीं करना है, फिर भी आपके खाने में, आपके डाइट में इन दोनों चीज़ों को जितना हो पाए उतना हमें कम यूज़ करना है। अगर आपको शुगर की क्रेविंग हो रही है, अगर आप चॉकलेट खा रहे हो, स्वीट खा रहे हो, हर चीज़ खा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो आप उसके बदले आप क्या कर सकते हो, आप फ्रूट खा सकते हो, आप डेट्स खा सकते हो। अगर शुगर किसी में यूज़ कर रहे हो तो उसके बदले आप हनी यूज़ कर सकते हो, पर उसकी भी क्वान्टिटी हमें ध्यान रखनी है। तो जितना हो पाए उतना हमें प्रोसेस्ड शुगर यूज़ नहीं करके नेचुरल शुगर यूज़ करनी है। एंड गारंटी, अगर आपने ये शुरू कर दिया तो आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और उसी के साथ में हम सेकेंड टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है ओवर ईटिंग। अगर मोस्टली अगर लोगों का वजन बढ़ता है तो वो है ओवर ईटिंग की वजह से। ओवर ईटिंग का मतलब ये होता है कि अगर हमने प्रॉपर ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट नहीं किया, मिड मॉर्निंग के टाइम पे हमने अच्छे से स्नैक नहीं लिया, तो क्या होगा, जब आपका लंच का टाइम आएगा तो आपको बहुत ज़्यादा भूख लग जाएगी। और लंच के टाइम पे जहाँ पे अगर आप दो चपाती खा रहे होंगे तो शायद आप तीन या चार चपाती खा लोगे। इसको बोला जाता है ओवर ईटिंग। इसकी वजह से बोला जाता है कि आपको पूरे दिन में चार से पाँच मील लेने चाहिए। उसकी वजह से आप जो नेक्स्ट मील आने वाला है वहाँ पर आप ओवर ईटिंग नहीं कर पाओगे। तो ओवर ईटिंग की वजह से भी बहुत जल्दी हमारा वजन बढ़ जाता है। अगर आप अपनी फिटनेस की जर्नी में है तो आपको अभी शुरुआत में पाँच मील प्लान लेके चलना चाहिए, जिसमें मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो गया, मिड मॉर्निंग स्नैक हो गया, लंच हो गया, मिड इवनिंग स्नैक हो गया, एंड डिनर हो गया। अगर आप पांच मील में आप खाना खाएंगे तो आप नेक्स्ट मील पे आप ओवरईट करने से बच सकते हैं। अगर आपके साथ भी यही गलती हो रही है तो आज ही आज हमें इसे रोकने की जरूरत है। एंड नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो वो है पैकेट फूड। हम में से बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं पैकेट फूड, और उसके कहीं ना कहीं हम उससे एडिक्ट हो जाते हैं। एडिक्ट हो जाने यानी कि अगर हम, आपने देखा होगा कि अगर आप कोई वेफर वगैरह खा रहे हो तो अगर आप एक पैकेट खाते हो वेफर, तो शायद आपको पता भी नहीं चलता है कि वो कब शुरुआत होती है और ख़त्म भी हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि हमें दूसरे पैकेट की ओर क्रेविंग होने लग जाती है। कि जब अगर आप पैकेट फूड खाते हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, अगर आप फिटनेस की जर्नी में है तो पॉसिबल नहीं है कि आप पैकेट फूड के साथ में भी आपको जो रिजल्ट चाहिए वो मिल पाएगा। पर्सनली मेरे साथ क्या होता है कि अगर मेरे घर में पैकेट फूड है, नमकीन है, या फिर कोई भी ऐसी कोई चीज़ें हैं, तो मैं ज़्यादा टाइम तक उससे दूर नहीं रह पाती। वो मेरे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही देता है। तो मेरे लिए सबसे अच्छी बात है कि मेरे घर पे कभी भी पैकेट फूड नहीं आता है। वही मेन रीज़न है कि मैं उससे बच पाती हूँ। अगर आपके साथ भी मेन इशू आ रहा है, अगर आपके घर में अभी भी पैकेट फूड अगर या नमकीन ये सारी चीज़ें हैं, तो दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आप उसको डस्टबिन में डाल दो, या फिर सेकेंड चीज़ है कि आप उसको नहीं खा के किसी को ज़रूरत है उसको आप दे दीजिए। आप अपने से उस चीज़ को दूर रखिए। एंड गारंटी, जब आपने पैकेट फूड आप कम्प्लीटली अपनी लाइफ में से कट ऑफ कर सकते हो, अगर नहीं कर सकते हो तो उसको हमें ज़रूर कम करना चाहिए, और वो भी बहुत बड़ा रीज़न है हमारा वेट लॉस नहीं होने का। जितना पैकेट फूड हम कम खाएंगे उतना हम हेल्दी भी रह पाएंगे, फैट लॉस भी कर पाएंगे, और हमें रिजल्ट भी जल्दी मिलेगा। यस, सो ये कुछ टॉपिक थे जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड उससे भी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। यस, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और कुछ मिस्टेक के बारे में हम बात करेंगे कि कौन से मिस्टेक की वजह से हमारा रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। यस, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।